बलराम से बड़ी खबर, बेशकीमती शीशम सागवन मोटे मोटे पेड़ का धुंध कटान जारी। वन विभाग ऑफिस के नाक के नीचे 25 बेशकीमती पेड़ कट गए, अधिकारियों को पता तक नहीं। अधिकारियों के मिली भगत से बेशकीमती शीशम सागवन की लकड़ी कटकर रखा गया गांव में। ठिकाने लगाने में जुटे अधिकारी तस्कर, बलरामपुर भावर रेंज वन विश्राम वीरपुर सेमरा के सामने का मामला। वन विभाग ऑफिस के नाक के नीचे 25 बेशकीमती पेड़ कट गए, अधिकारियों को पता तक नहीं। अधिकारियों के मिली भगत से बेशकीमती शीशम सागवन की लकड़ी कटकर रखा गया गांव में। बलरामपुर से स्वकीय बड़ी खबर, गौशाला के नाम पे 25 बेशकीमती शीशम हरे पेड़ सागवन और शीशम के कट गए। न परमिट, न नीलामी, न अधिकारियों को देखरेख में बेशकीमती लकड़ी शीशम सागवन कट करके गांव में रखा गया। ठिकाने में लगे जंगल के तस्कर और अधिकारी। बलरामपुर भावर रेंज वन विश्राम वीरपुर सेमरा के सामने का मामला। तो बलरामपुर से स्वकीय की बड़ी खबर आ रही है, बेशकीमती शीशम सागवन का आधा धुंध कटान जारी, हरे पेड़ मोटे मोटे, गौशाला के नाम पे 25 से ज्यादा बेशकीमती शीशम हरे पेड़ सा। भावर रेंज के जंगल में बेशकीमती शीशम और हरे पेड़ों की कटान जारी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे वन विश्राम भवन वीरपुर भावर रेंज सोहेलवा वन जीव प्रभाग बलरामपुर है और जस्ट उसके ही सामने हरे पेड़ की कटान आप देख सकते हैं। ये बेशकीमती सागवन की पेड़ है जो इसको लकड़ी तस्कर किस तरीके से आधा से ज्यादा काट दिए हैं और उसके बाद इनका ये उद्देश्य है कि इसको जब काट दिया जाएगा हवा चलेगा तो बेशकीमती लकड़ी, ये जो सागवन का पेड़ है, ये हरा करके गिर जाएगा और फिर जब ये गिर जाएगा तो उसके बाद इसको काट करके मोटी रकम में बेच करके अच्छा खासा माल कमाने में लगे थे। लेकिन जंगल विभाग के अधिकारियों के नाक के नीचे इतनी बड़ी अवैध कटान जारी है, इनको कानों कान तक भनक तक नहीं लगा, ये बड़ा सवाल उठता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहां से कहेंगे अपने कैमरामैन को दिखाए कितने ये हरे पेड़, आप देख सकते हैं कि कितने हरे पेड़ यहाँ पे कटान किया गया है और इस लकड़ी को उठा करके ट्रैक्टर ट्रॉली में गांव में रखा गया है और जो सूत्र बताते हैं कि कम से कम 2 से 3 ट्रैक्टर लकड़ी, मोटे मोटे शीशम की बेशकीमती लकड़ी को भी सप्लाई करके बेच दिया गया है। ऐसे में ना कोई परमिशन और ना कोई आदेश और भारी कीमतों में हरे और सूखे पेड़, कम से कम 20 से 25 पेड़ों की कटान करके और इसकी भनक जंगल विभाग और किसी भी आला अधिकारी तक को नहीं पता। आप देख सकते हैं इतने मोटे मोटे जो कि काट करके ना तो इसकी कोई परमिशन है और ना ही कोई इसका कागज है। ऐसे में साफ पता चलता है कि वन विभाग के जो तस्कर हैं वो कितने सक्रिय हैं और उनके सामने जिले की प्रशासन नतमस्तक दिखाई देती हुई नजर आ रही है। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, वीरपुर रेंज, बलरामपुर।